Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in this series of discussing various types of various concepts under educational statistics, we are discussing now product moment correlation coefficient. Prior to this, I have already discussed with you all the Spearman's rank correlation coefficient, and this time I'm going to discuss product moment correlation coefficient. Okay, so the lecture will be in bilingual mode as usual, and it must be useful for all of you. First of all, फिर से एक recap लेते हैं. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया statistics में. हम लोगों ने शुरुआत की थी measures of statistics से. फिर statistical series discuss की गई कि कितने तरीके की होती हैं, time के हिसाब से, space के हिसाब से, फिर continuous होती हैं, discrete होती हैं, फिर उनके characteristics क्या होती हैं, सब आपसे discuss किया गया. फिर हमने आपसे बात की थी measures of central tendency, है ना, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, जिसमें हमने आपसे mean, median और mode discuss किया. पहले उसका concept, फिर उसको calculate कैसे करते हैं. उसी तरह से measures of variability, है ना, कि जो measures of central tendency होता है वो ये तो बता देता है कि डेटा किस तरफ एकत्रित है, किधर मीन की तरफ है, मीन की तरफ आने की उसकी टेंडेंसी है, मतलब बीच में है ना, लेकिन वो उसका वितरण कैसे है पूरे डेटा में ये नहीं पता चलता है. तो इसके लिए हमको measures of variability देखना पड़ता है कि वो किधर ज्यादा है. उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, रेंज के बारे में थोड़ी बात हुई. फिर उसके बाद ये हुआ कि डेटा का वितरण तो समझ में आ रहा है, पर ये भी समझ में आ रहा है कि अगर दो वेरिएबल हैं हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो डेटा कितना कोरिलेटेड है, मतलब सहसंबंध क्या है. तो उसमें हमने आपसे स्पीयरमैन रैंक डिस्कस कर लिया है कि स्पीयरमैन रैंक का फॉर्मूला और कैसे निकाला जाएगा. और अब आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट, और सवाल भी पूछे जाते हैं इस पर. तो फिर से एक बार कि कोरिलेशन क्या है. कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ओहो, ये TWO2 है, मतलब कि जो सहसंबंध है वो दो चरों के बीच के संबंध, बीच के एसोसिएशन का मापक है कि कितना उनमें संबंध है. टिपिकली वन वेरिएबल इज डिनोटेड एज x एंड द अदर वेरिएबल इज डिनोटेड एज y. जनरली हम लोग एक चर को x का नाम दे देते हैं, दूसरे को y का नाम दे देते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स इज असेस्ड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट. और जो इन दो चरों के बीच का संबंध है उसको हम सहसंबंध गुणांक से नापते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन. तो कह रहे हैं कि नीचे के जितने भी एग्जाम्पल हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो सहसंबंध के स्टेटमेंट हैं. जैसे एज द इंटेलिजेंस इंक्रीजेस द मार्क्स ऑब्टेन इंक्रीजेस. वो कह रहा है कि जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है हमारे नंबर बढ़ते हैं, जनरली है ना, कोरिलेशन है. एज द इंट्रोवर्जन इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिक्रीजेस. जैसे जैसे हम इंट्रोवर्ट होते जाते हैं या हम अगर बहुत इंट्रोवर्ट हैं तो हमारे फ्रेंड्स क्या होंगे, घटते जाएंगे. क्यों? क्योंकि हम किसी से मिलना नहीं चाहेंगे, हमको पार्टीज में जाना पसंद नहीं है, हमको अकेले रहना पसंद है, तो फ्रेंड्स कहाँ मिलेंगे हमें. फिर मोर द एंग्जाइटी अ पर्सन एक्सपीरियंसेस वीकर द एडजस्टमेंट विद द स्ट्रेस. कह रहे हैं कि जैसे जैसे एक व्यक्ति की चिंता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो स्ट्रेस है ना, जो चिंता मतलब तकलीफ है, स्ट्रेस है उसके साथ, उसके संग उसका एडजस्टमेंट कम होता जाता है. ये सब कोरिलेशन है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है. हम आपसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन भी डिस्कस कर चुके हैं. एज द स्कोर ऑन ओपननेस टू एक्सपीरियंस इंक्रीजेस, स्कोर्स ऑन क्रिएटिविटी टेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. क्रिएटिविटी क्या कहती है? रचनात्मकता, कि हम कितने नएपन को हम कितनी जल्दी अपनाते हैं. तो कह रहा है कि जैसे जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे हमारा स्कोर बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिएटिविटी पे भी बढ़ेगा. उसी तरह से मोर दी इनकम मोर दी एक्सपेंडिचर. जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं. पहले हमें लगता है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर हमको लगता है नहीं हम ये भी अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी अफोर्ड कर सकते हैं. तो ये सब कोरिलेटेड है. ऑन ए रीजनिंग टास्क एज द एक्यूरेसी इंक्रीजेज द स्पीड डिक्रीजेज. जैसे जैसे हम लोग रीजनिंग के हम लोग सवाल लगाते हैं तो अगर हम एज द एक्यूरेसी इंक्रीजेज द स्पीड डिक्रीजेज, जैसे जैसे हम और सही उसको लगाने जाएंगे वैसे वैसे गति घटती जाएगी, क्योंकि सोचना पड़ेगा ना, तुरंत आप रीजनिंग के सवाल नहीं लगा सकते. एज द कॉस्ट इंक्रीजेज द सेल्स डिक्रीजेज. तो ये सारा कोरिलेशन का और भी इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल हैं आपको ये समझाने के लिए कि कैसे एक चर दूसरे चर पर निर्भर करता है. फिर है कोरिलेशन दो तरीके का हो सकता है, लीनियर और नॉन लीनियर. द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. वो कह रहे हैं कि दो चरों के बीच का जो संबंध है कई तरीके का हो सकता है, पर मोटा मोटा आप उसको
विस्तृत रूप से आप उसको रेखीय और नॉन रेखीय, मतलब जो रेखीय ना हो अरेखीय संबंध में बांट सकते हैं। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा, वन ऑफ द बेसिक फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इज लीनियर रिलेशनशिप, मतलब एकदम जो मूल तरीके का सहसंबंध है वो रेखीय होता है। लीनियर रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट कैन बी प्लॉटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब समझे, मतलब कि अगर एक चर को आप एक्स एक्सिस पे ले लें, एक चर को वाई एक्सिस पे ले लें, तो उनके मान रखते जाएंगे तो वो लगभग एक सीधी रेखा की तरह से प्लॉट हो जाएंगे। और नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या है, तो उसका ये भी तो मतलब है लीनियर का कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है ना, तभी तो दोनों का सीधी रेखा में आएगा। फिर उसी तरह से नॉन लीनियर कह रहा है कि यॉर्क्स डॉटसन लॉ, स्टीवेंस पावर लॉ इन साइकोफिजिक्स एटसेट्रा आर गुड एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है ऐसा नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस इज पॉपुलरली नोन एज यॉर्क्स डॉटसन लॉ। जो हमारी स्ट्रेस है, जो हमको जैसे किसी चीज के लिए हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हमको लगता है कि हम परेशान हैं थोड़े से, और हमारी परफॉर्मेंस के बीच में क्या सहसंबंध है। देखिए ये कह रहा है इट सजेस्ट दैट द परफॉर्मेंस इज पुअर व्हेन द स्ट्रेस इज टू लिटिल और टू मच। वो कह रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है या तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो या स्ट्रेस बहुत कम हो। इट इम्प्रूव्स व्हेन द स्ट्रेस इज मॉडरेट, जब स्ट्रेस मध्यम होता है, मतलब इतना कि नॉमिनल है, मॉडरेट है, तब हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है और इसको आप स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस इज पुअर एट एक्सट्रीम्स, यानी कि जो एकदम निम्नतम है से लेके उच्चतम है परफॉर्मेंस सबसे कम है, और जो मॉडरेट है वहाँ परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ये इसको आप नॉन लीनियर कह दीजिए, कर्वी लीनियर कह दीजिए। कर्व का क्या मतलब, वक्राकार ना, नॉन लीनियर का जो मतलब जो लीनियर ना हो। तो इस तरीके का एग्जांपल नॉन लीनियर रिलेशनशिप के अंतर्गत आएगा। कोरिलेशन दी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कैसे स्ट्रेंथ पता चलेगी, इसी गुणांक से पता चलेगी, कोफिशियंट से, कि कितना ज्यादा मतलब कितनी शक्ति है उस रिलेशनशिप में। ऑब्वियसली द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर पॉजिटिव। देखिए आप जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतना ज्यादा रीजनिंग का सवाल बढ़िया कर पाएंगे, उसी तरह से अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप क्रिएटिव हो इसकी संभावना ज्यादा है। तो दोनों ही रिलेशनशिप में पॉजिटिव सहसंबंध है। बट एट द सेम टाइम द कोरिलेशन कोफिशियंट इज हायर फॉर इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देन फॉर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। लेकिन अगर आप इसका सहसंबंध गुणांक देखें कि कौन कितना ज्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो आप पाएंगे कि इंटेलिजेंस और रीजनिंग का कोरिलेशन कोफिशियंट ज्यादा है बजाय इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का। इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन आपको कोरिलेशन कोफिशियंट यानी उसके गुणांक से पता चलेगा कि कितना उसमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू इंटरप्रेट द रिलेशनशिप। जब आपको सहसंबंध गुणांक पता चल जाएगा तभी आप उसका व्याख्या कर पाएंगे उस सहसंबंध की, उस संबंध की, कि दो चर एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं, है ना। अब आ जाएगा जाइए कोरिलेशन कोफिशिएंट पे। कह रहे हैं कि द कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए नंबर usually called as correlation coefficient, यानी कि दो चरों के बीच के सहसंबंध को जनरली हम एक अंक से डिनोट करते हैं और उसको हम सहसंबंध गुणांक का नाम देते हैं। The correlation coefficient is denoted by various symbols depending on the type of correlation. और इसको हम कई तरीके के सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन इसका है स्मॉल r, इंडिकेटिंग the Pearson's product moment correlation coefficient. और ये जो स्मॉल r है वो जनरली पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट को ही इंडिकेट करता है। अच्छा, हर चीज की हिंदी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट का क्या, इसको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं, आप इसको इंग्लिश में ही बोल दीजिए। बल्कि हिंदी में इन शब्दों के उच्चारण, इन टर्मिनोलॉजी के उच्चारण बहुत मतलब टिपिकल है, कठिन है, दुरूह है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज आर एक्स वाई। ये कह रहे हैं ना, ये दो चर है हमारे पास, एक चर x है, एक चर y है, तो इसका कोरिलेशन कोफिशियंट को आप क्या, हम कह रहे हैं कोरिलेशन कोफिशियंट को हम स्मॉल r से निकालेंगे, और चूंकि x और y के बीच का कोरिलेशन है इसलिए इसके नीचे छोटा लिखा है। देखिए कई बार ये टाइपिंग में हो नहीं पाया बिकॉज दिक्कत है इसको टाइप करने में, दिक्कत से ये सब टाइप हुआ है, तो ये एकदम सटीक नहीं आ रहा है, नहीं तो थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए। जैसे r आपने ऐसे लिखा है, एक्स वाई नीचे छोटा सा लिखिए, तो इसका मतलब x और y का सहसंबंध हमको r से पता चल रहा है। ठीक है,
तो इसके कुछ खास गुण हैं, जैसे द रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोफिशियंट इज फ्रॉम -1 to +1, यानी कि हमेशा ये -1 से +1 के बीच में ही होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, वैसे आगे कहीं लिखा होगा कि -1 का मतलब है सटीक, एकदम सटीक नेगेटिव कोरिलेशन है, और +1 का मतलब है एकदम पॉजिटिव कोरिलेशन है, और बाकी सारे अंक इसके बीच में होंगे। इट मे टेक एनी वैल्यू बिटवीन दीज नंबर्स, यानी कि -1 से लेके +1 तक के बीच का कोई भी वैल्यू मान कोरिलेशन कोफिशियंट का हो सकता है, जैसे -0.72 हो सकता है, 0.61 हो सकता है। अच्छा हाँ, 1 से ज्यादा नहीं होगा, क्यों? 100% से ज्यादा तो कोरिलेट कुछ नहीं हो सकता ना, इसलिए। फिर 0.61, 0.3 कुछ भी हो सकता है। इफ द कोरिलेशन कोफिशियंट इज 1, देन द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स इज परफेक्ट। यही कह रहे हैं ना कि अगर 1 है, इसका मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड दो वेरिएबल हैं, जो कि जनरली नहीं होता है। उसी तरह से एज द कोरिलेशन कोफिशियंट मूव्स नियरर टू +1 or -1, द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इंक्रीजेस। इफ द कोरिलेशन कोफिशियंट मूव्स अवे फ्रॉम द +1 or -1, देन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल डिक्रीजेस। यानी कि +1 या -1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर +1 और -1 से कम जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी स्ट्रेंथ घट रही है कोरिलेशन की। सो इसी तरह से कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.87 है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है दोनों वेरिएबल के बीच में। क्यों? क्योंकि 0.87 1 के आसपास है ना, वेयर एज कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर 0.24 है या -0.24 है, इसका मतलब कि वीक कोरिलेशन, क्योंकि 0.5 से भी कम है, 50% से भी कम है, सिर्फ 25% का कोरिलेशन है, और यहाँ 87% का कोरिलेशन है। ठीक है, सामान्य गणित है ये। फिर मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, नापना है हमको, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस वेज, कई तरीके से आप नाप सकते हैं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन द सैंपल। अब समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सहसंबंध गुणांक है, वो वाकई जो है एक नमूना जो हमको मिला है, न्यादर्श मिला है, उसके दो चरों के बीच के संबंध का विवरण है, है ना, तभी तो पता चलेगा कितना कोरिलेशन है। सो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये एक तरीके से विवरणात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आएगा। देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे बहुत बाद हो गई है, मतलब हमने इन टोटैलिटी बात नहीं की, बाद में एक बार डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे भी बात हो जाएगी। वेरियस वेज टू कंप्यूट कोरिलेशन सिंपली इंडिकेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स इन द सैंपल। द डिस्ट्रीब्यूशनल अजम्पशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कोरिलेशन एज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सो इट इज नॉट ए पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसे हैं, आपको सब कुछ ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेट करके। जैसे बहुत पहले ही हम लोग पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पे बात कर चुके हैं। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होती है। नॉन पैरामेट्रिक के लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना आंकड़ों का जरूरी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक नहीं है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि ये हमको सिर्फ ये बता रही है कि जो सैंपल में जो वेरिएबल है उनके बीच में कितना और किस प्रकार का एसोसिएशन है। फिर द कैलकुलेटेड सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हमने सैंपल को अच्छे से चुना है, रिप्रेजेंटेटिव है हमारा सैंपल पॉपुलेशन का, तो सैंपल के कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोफिशिएंट से, उसकी मतलब कि सैंपल के कोरिलेशन कोफिशिएंट से पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। उसी तरह से इसको जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को एन से डिनोट करते हैं, और स्पीयरमैन जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ऐसे करते हैं रो। ठीक है, अब आते हैं बात पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन के। पहले इतनी बात करनी पड़ेगी पियर क्या है, कोरिलेशन और ये सारी बातें। तो द पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1886, यानी कि उन्हीं के नाम पे इसका नाम है, जैसे स्पीयरमैन के नाम पे है, पियर्सन के नाम पे है। पियर्सन कौन थे? वाज ए एडिटर ऑफ बायोमेट्रिका, विच इज अ लीडिंग जर्नल इन स्टैटिस्टिक्स। अपने समय का लीडिंग जर्नल बायोमेट्रिका था, उसके एडिटर थे पियर्सन। ही वॉज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ साइकोलॉजिस्ट सर फ्रांसिस गाल्टन। देखिए, गाल्टन का नाम आपने बहुत सुना होगा, और ये सभी लोग स्टैटिस्टिशियन थे, तभी इन्होंने इस तरह की गणनाएं, सांख्यिकी गणनाएं साइकोलॉजी में लगाई हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी थे। द पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। देखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा कोरिलेशन किस तरीके के वेरिएबल में लगाया जाएगा। तो सतत चर जब होते हैं तो उसमें पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जनरली लगाया जाता है। इफ आइदर और बोथ द वेरिएबल्स आर नॉट कंटिन्यूअस, देन अदर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स आर टू बी यूज्ड। अगर दोनों चर या कोई एक चर कंटिन्यूअस नहीं है तो आप कोई और स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ेगी, पियर्सन नहीं लग पाएगा। सम ऑफ देम आर इक्विवेलेंट टू पियर्सन कोरिलेशन, अदर्स नॉट। ठीक है,
अब आएगा वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, यानी कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी किस किस टर्म की आपका पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालने के लिए। एक तो आपको जरूरत पड़ेगी मीन की, एक आपको जरूरत पड़ेगी वेरिएंस की, और एक आपको जरूरत पड़ेगी कोवेरिएंस की। देखिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ चुके हैं कई बार, लेकिन ये शायद नहीं आया है। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही वेरिएंस कहा जाता है, और कोवेरियंस क्या है ये देख लेते हैं। मीन तो पता ही है, मीन क्या है, मीन ऑफ वेरिएबल एक्स इज सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सारे स्कोर्स जोड़िए और जितने नंबर ऑफ स्कोर्स हैं उनसे भाग दे दीजिए, मीन आ जाएगा। वेरिएंस क्या है, आपको पता है डेविएशन कैसे निकालना है, द वेरिएंस ऑफ ए वेरिएबल एक्स सिंबलाइज्ड एज एस एक्स स्क्वायर, कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ ईच स्कोर फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपने क्या करेंगे, सारे हम डेविएशन निकालेंगे, फिर सारे डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और हम क्या, और सबको जोड़ देंगे तो वेरियंस आ जाएगा। उसी का हम अंडर रूट निकाल देते थे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता था। यानी कि सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन को जब स्क्वायर करते हैं तो वेरियंस आता है, सिंपल। कोवेरियंस क्या है, इट इज ए नंबर दैट इंडिकेट्स द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स टू कंप्यूट कोवेरियंस डेविएशन ऑफ ईच स्कोर ऑन एक्स फ्रॉम इट्स मीन एंड डेविएशन ऑफ ईच स्कोर ऑन वाई फ्रॉम इट्स मीन इज इनिशियली कैलकुलेटेड। क्या करेंगे, हमको दो चर है ना, कोरिलेशन तो हमेशा दो चरों के बीच में निकाला जाएगा, तो पहले आप एक्स का उसके मीन से डेविएशन निकाल लीजिए, एक्स कोई एक चर हो सकता है, वाई का निकाल लीजिए और उन दोनों को गुणा कर दीजिए, देन प्रोडक्ट्स ऑफ दीज डेविएशन आर ऑब्टेन। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है, और फिर सबको जोड़ लीजिए और यही आपको क्या करेगा, को दिस सम गिव्स अस द न्यूमरेटर फॉर कोवेरियंस, मतलब अंश और हर होता है ना वो, और फिर इसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्व, तो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर आएगा, यानी अंश बन जाएगा ये कोवेरियंस का, और इसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दीजिए तो कोवेरियंस निकल आएगा। यानी कि वेरियंस डेविएशंस का स्क्वायर है और कोवेरियंस दोनों चरों के डेविएशन का गुणनफल है, और बाद में उसको जोड़ के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग देना है। ये है फॉर्मूला, इक्वेशन फॉर पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर, आर क्या है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। कोवेरियंस, ये सीओवी क्या है, कोवेरियंस के लिए, और किसके किसके बीच का कोवेरियंस है, एक्स इंटू वाई, एक्स एक चर है वाई एक चर है, अपॉन हमको भाग देना है किससे, एस एक्स इंटू एस वाई। एस एक्स क्या है, एस किसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन से आप भाग दे देंगे तो आपको आर मिल जाएगा। तो कोवेरियंस एक्स वाई इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एस एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सिंस इट कैन बी शोन दैट कोवेरियंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू एस एक्स इंटू एस वाई, इसलिए कह रहा है कि कोवेरियंस हमेशा एस एक्स और एस वाई के गुणनफल से या तो बराबर होगा या छोटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा जा नहीं सकती। साइन ऑफ पियर्सन आर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ कोवेरियंस एक्स वाई, और साइन उसका क्या, हम चिन्ह किसके हिसाब से लगाएंगे, कोवेरियंस एक्स वाई का जो चिन्ह होगा वही पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट का चिन्ह होगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। देखिए मैं एक्स बार को एक्स के ऊपर एक छोटी डंडी खींची जाती है वैसा लगाना चाह रही थी, मुझसे लग नहीं पाया इसलिए मैंने इसको बार 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 करके लिखा है, ऐसे बोला जाता है x माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब x के ऊपर एक छोटी डंडी, उसी तरह से y माइनस y बार, y के ऊपर एक छोटी डंडी, वो मुझसे बना नहीं, अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। अब फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लगाया गया है। देखिए हमको दिया जाएगा सिर्फ इतना, एक सब्जेक्ट हमको देंगे, x देंगे, y देंगे, बस इतना आपको डेटा मिलेगा और आपसे कहा जाएगा इसका प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट निकालिए। तो हम क्या करें, हमको ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, x है y है, दोनों का मीन निकाल लीजिए पहले। तो ये 110 आया, 10 से भाग दिया 11 इसका मीन आ गया, इसको जोड़ा 120 आया, 10 से भाग दिया 12 आ गया। अब सबका डेविएशन निकालना है ना, तो ये 11 है, 11 में से 11 गया 0, 13 में से 11 गया 2, 16 में से 11 गया 5, इस तरह से x माइनस एक्स बार निकाल लीजिए, उसी तरह से y माइनस वाई बार निकाल लीजिए। यहाँ मीन कितना आया है 12, तो सब में से 12 घटाना है, 13 में से 12 गया 1, 16 में से 12 गया 4, इस तरह से ये आ गया। अब क्या करना है हमको, कैलकुलेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालना है, और x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार से गुणा करना है, बस इतना काम है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए 156 आ गया, ये 100 आ गया, इसको जोड़ लिया 117 आ गया, ठीक। अब फॉर्मूले में रख दीजिए, सिंपल, समेशन ऑफ सॉरी एस एक्स क्या था, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपको सारे मान आप निकाल ही चुके हैं, ये रहा है आपका सारे मान, तो यहाँ आपने रख दिया, तो एस इंटू एक्स इज इक्वल टू आ गया 4.16, एस वाई इज इक्वल टू आ गया 3.33, तो आर इज इक्वल टू क्या है 117, 117 क्या था ये देखिए,
ये था ना आपका एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वही फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला देखिएगा, ये है ना आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो इसकी जगह क्या है 117 बटे 10 समेशन एस एक्स 4.16 निकला, एस वाई 3.33 निकला, आपने फॉर्मूले में रख दिया तो आया 0.937। इसका मतलब क्या है कि दोनों चरों के बीच में कितना बढ़िया कोरिलेशन है, क्योंकि 0.937 का मतलब 93.7% कोरिलेशन कोफिशियंट आया निकल के, बस खत्म है। ठीक है, तो फॉर्मूला छोटा सा है लेकिन आपको ये याद रखना है कि x और y में पहले आप सबका मीन निकालिए, फिर सबका डेविएशन निकालिए, फिर डेविएशन के स्क्वायर निकालिए, किसके लिए, वेरिएंस के लिए, और जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ अंडर रूट नहीं निकाला है, अंडर रूट नहीं निकाला है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है, वेरिएंस निकालना है, और फिर दोनों के विचलनों को गुणा करके जोड़ दीजिए तो कोवेरिएंस आ जाएगा, और कोवेरिएंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग देने के बाद उसको हमको दोनों के स्टैंड वेरिएंस से भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एस एक्स निकाल लिया, एस वाई निकाल लिया, तो 4.16 3.33, और बस इन दोनों को गुणा करके हमको 117 बटे 10 से भाग दे देना। अच्छा यहाँ अपॉन का भी साइन है, यहाँ अपॉन का साइन लगना भूल गया, ये देखिए ये है ना, ये अपॉन का साइन, ये भाग देना है, थोड़ा मुश्किल था ये सब टाइप करना है ना, ये सारे सिंबल लगाना, तो बड़ा दिक्कत हुआ ये सब। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, और बहुत पूछा भी जाता है आपसे। पहले तो कंसेप्ट जानिए, हमेशा स्टैटिस्टिक्स को मैथ्स की तरह से नहीं समझिए, समझिए कि ये एक तरीके का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी है, पहले कंसेप्ट तो समझिए, कोरिलेशन क्यों है, क्यों जरूरी है। अब ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप समझ पाएंगे कि माइनस एक से प्लस एक के बीच में ही कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान हो सकता है, ये नहीं कि आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट किसी सवाल का निकाल कर आंसर दे दिया 2.5, हो ही नहीं सकता, 250% थोड़ी कोरिलेट होगा, पॉजिटिवली कोरिलेट होगा परफेक्ट तो 1, और नेगेटिवली परफेक्ट कोरिलेट होगा तो -1, इसी के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले, अभी तो बहुत सारे और फॉर्मूले हैं जो आपके कोर्स में है, एमए या एमएड के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो बहुत कुछ, तो बार बार जब पढ़ेंगे और बार बार उस पर आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस रेज हो पाएगा कि हाँ आपको सवाल आ गया है, सवाल को हल करना आ गया है, फॉर्मूला याद है। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।